नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। अफगानिस्तान और आयरलैंड की टीमें गुरुवार को यूएई में 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में आमने सामने हुई। कोरोना की वजह से लंबे समय से बंद पड़े इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान टीम की वापसी हुई है। पहले वनडे में अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबज के शानदार शतक के दम पर 50 ओवर में 287 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही। वनडे क्रिकेट में अपना पहला ही मैच खेल रहे अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबज ने तूफानी शतक के साथ अपने वनडे करियर का आगाज किया। 1971 से लेकर अभी तक 4000 से ज्यादा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जा चुके हैं। अभी तक काफी खिलाड़ियों ने अपनी अपनी टीमों के लिए क्रिकेट का यह प्रारूप खेला है, लेकिन आज तक सिर्फ 16 खिलाड़ी ही अपने डेब्यू मैच में शतक लगा पाए हैं। सबसे पहले 1974 में इंग्लैंड के डेनिस एमिस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शतक लगाया था। भारत की तरफ से अभी तक सिर्फ केएल राहुल ही अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने में सफल रहे थे। रहमानुल्लाह गुरबज ने 127 गेंदों पर 127 रन की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 9 छक्के ठोके। गुरबज अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने अपने डेब्यू वनडे मैच में ही शतक ठोका था। आईसीसी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। आपको बता दें, आयरलैंड और अफगानिस्तान सिर्फ वनडे सीरीज ही खेलेंगी और सीरीज के तीनों मैच आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। दोनों टीमों के लिए ये सीरीज बेहद खास है क्योंकि ये 2020-23 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, जिसमें 2023 में भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप में 7 टीमों को सीधे इस वर्ल्ड कप में क्वालिफिकेशन का मौका मिलेगा। कोविड-19 के बाद अफगानिस्तान की इस सीरीज से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बार वापसी हुई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।